हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग योगा करेंगे। ये जितने योगा आसन हम बताएंगे, ये डायबिटीज़ के लिए और जिनका ये टमी एरिया ज़्यादा निकला हुआ है, ज़्यादा फैट यहाँ पे जमा हो गया है, उन लोगों के लिए ये आसन बहुत अच्छे हैं। डायबिटीज़ भी कम होगी और फैट भी कम होगा। तो चलिए करते हैं पहला आसन। ब्रज आसन में बैठेंगे इस तरीके, हाथ को थाई पे रखेंगे, फिर सांस लेंगे लंबी, ऊपर ले जाएंगे हाथ को, खींचेंगे थोड़ा, सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, हाथ को जितना खींच सकते हैं उतना खींचें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोग ये क्रिया शुरुआत में 5 बार करेंगे और 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे करते जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा। दूसरा पोज हमारा मंडूकासन है। ब्रज आसन में बैठेंगे और ये देखिए, ये हाथ है, हाथ पे ये मुट्ठी को बनाएंगे, थंब को अंदर करेंगे और ऐसे बनाएंगे। इन दोनों को नाभि के एक इस साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड यूँ रखेंगे और पेट को अंदर दबाएंगे। पहले सांस खींचेंगे, पेट अंदर करेंगे और नीचे झुकेंगे, उतना ही झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऊपर आएंगे। फिर से देख लेते हैं कैसे करना है और होल्ड उतनी देर करना है जितनी देर आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ानी होगी। इस पोज में भी हम ऐसे ही बैठेंगे और हाथों को ऐसे रखेंगे, एक पे एक हाथ रखेंगे और अपने पेट को दबाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे और हाथ से इसको प्रेस करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। जितने भी पोज बता रहे हैं ये शुरुआत में आप 5 टाइम तो आपको करना ही करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। ओके, मेरे साथ ही करिए, देखते जाइए कैसे करना। अब करेंगे योग मुद्रासन। योग वाली स्थिति में बैठेंगे, अब क्या करेंगे जैसे पहले किया था, ये हैंड लेंगे और हैंड को पेट पे यूं करके रखेंगे, सांस भरेंगे और पेट को अंदर करेंगे, सीधे रखेंगे और पेट को दबाएंगे, नीचे आएंगे और चिन को, ये चिन या नोज को जमीन में लगाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। फिर से एक बार देख लेंगे। राइट पैर को हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, लेफ्ट वाले को राइट के ऊपर लाएंगे,
ठीक है, जो पैर ऊपर उठा है उसके अपोजिट वाले हैंड को ऐसे लॉक करेंगे, लॉक करके पकड़ लेंगे और इस वाले हैंड को पीछे ले जाएंगे, सांस भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब दूसरी तरफ देख लेते हैं, इस बार लेफ्ट वाले पैर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और राइट वाले पैर को ऊपर ले जाएंगे। अब ये वाला हाथ जो इसका अपोजिट हाथ है, लेफ्ट वाला हाथ, इसको हम राइट वाले पैर की तरफ ऐसे पकड़ लेंगे, ये वाला हाथ पीछे लाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। जब ऐसे करेंगे तो ये यहाँ से खिंचेगा, ये फैट कम होगा, पेट के नीचे पेनक्रियास होती है तो वो भी हमारी एक्टिव हो जाती है, रिलैक्स। इसी पोजीशन में बैठेंगे जैसे पहले बैठे थे, ये इसी पोजीशन में बैठेंगे। इस बार जो पैर ऊपर उठा हुआ है, इस बार जो पैर ऊपर उठा हुआ है उसी हाथ को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये वाले हाथ को पीछे ले जाके दोनों को लॉक कर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है वो लोग अगर ये पोजीशन नहीं बना सकते हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं, पैर को सीधा रखेंगे, इस वाले पैर को इधर लॉक कर देंगे, ये देखिए ऐसे रख के कर सकते हैं एक्सरसाइज, और इस वाले हाथ को से ऐसे पकड़ लेंगे, ये ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अगर घुटनों में दर्द, अगर पोज बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, आप जिस पोज में कंफर्टेबल हों उसमें ही शुरू करें, आगे जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आप पोज आसानी से बना लेंगे। शुरुआत में ये जितने भी पोज हमने बताए हैं ये 5 टाइम करें और 10 टाइम के लिए होल्ड करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप करते जाएंगे तो इनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। सारे पोज से डायबिटीज़ कम होगी और जिसका फैट है टमी पे वो फैट भी कम होगा। तो आप लोग आज से ही ये योगा शुरू करें और इसका बेनिफिट उठाएं। पिछले वीडियो में मैंने प्रेशर पॉइंट बताया था, हाथों में प्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको स्टिमुलेट करेंगे तो डायबिटीज़ कम होगी, वो भी आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें। एक दूसरे वीडियो में हमने बताया है कि क्या खाना है आपको, एक पाउडर बताया है उसको आप सुबह शाम लेंगे खाली पेट, और ये एक्सरसाइज करेंगे, तीनों चीज़ें एक साथ में फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा, डायबिटीज़ कम हो जाएगी धीरे धीरे। तो आप अपने रूटीन में शामिल करें और इसका लाभ, आप नए हैं हमारे चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, ओके बाय।